बच्चों, आज हम और आप मिलकर फर्श के कुछ डिजाइन बनाएंगे और रोहित की मदद करेंगे उसके सपनों के घर के फर्श के लिए एक आकृति चुनने में, एक शेप चुनने में जो टाइल करे। टाइल करे मतलब जो फर्श होते हैं उन पर टाइलें लगती है, तो हम बोलते हैं कि फर्शों की टाइल। तो हम देखेंगे कौन सी शेप टाइल का काम करती है और कौन सी नहीं करती है। तो चलिए पहले हम कौन सा शेप लें, तो ये बताइए कौन सा शेप है। ये स्क्वायर शेप है। तो अब क्या करें, अब हमें क्या काम करना है, ये हमारे पास दिया हुआ है एक फर्श का टुकड़ा। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास पूरा फर्श है और हमें इस पर टाइलिंग करनी है, वो भी किससे, इससे। हमारे पास ये शेप है और हमें इससे टाइलिंग करनी है। और टाइलिंग करने से, टाइलिंग मतलब क्या, टाइलिंग मतलब कि हमें इस आकृति, हमें देखना है कि क्या ये आकृति आपस में जुड़ती है, क्योंकि अगर ये आकृति आपस में जुड़ती है तभी पूरा जो हमारा जो फर्श है वो इससे ढक पाएगा। लेकिन अगर नहीं होती है और अगर गैप बच जाता है तो हमें उसे नहीं लेना है। हमें रोहित के फर्श के लिए एक ऐसी टाइल लेनी है, एक ऐसी शेप लेनी है जो कि इससे पूरा भर दे। तो चलिए देखते हैं कि स्क्वायर क्या आपस में जुड़ते हैं, क्योंकि अगर वो आपस में जुड़ते हैं, आपस में अच्छे से फिट होते हैं, बिना कोई गैप छोड़े, बिना कोई खाली जगह छोड़े, तो हम कह सकते हैं कि ये टाइल है और ये फर्श पर टाइल का काम करेगी। तो हम इसका दूसरा लेते हैं, ये है पहला स्क्वायर और ये है दूसरा स्क्वायर। देखिए बच्चों, जो दूसरा स्क्वायर है वो एकदम फिट हो रहा है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। देखिए एक के ऊपर, एक के नीचे एक, देखिए बिल्कुल फिट हो रहा है। ये जो स्क्वायर है ये आपस में फिट हो रहा है जोड़ने पर बिना किसी गैप के। तो आप बता सकते हैं क्या इससे हम पूरा फर्श टाइल कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और करके देखते हैं। अब हम आगे का लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये भी जुड़ गया है। ठीक है, अब हम अगला लेते हैं, ये हम यहां रखते हैं। अब हम अगला लेके देखते हैं, ये देखिए ये जो दो खाने हैं आपस में पूरी तरह से जुड़ रहे हैं बिना किसी गैप के, और ये दोनों भी जुड़ रहे हैं, ये दोनों भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसे करते करते पूरा जो स्क्वायर हमारा, जो हमारा फ्लोर है, जो हमारा फर्श है, वो पूरा टाइल हो जाएगा। तो मैं इसे यहां लगा देती हूँ, देखिए तो ये जो टाइल है कुछ इस प्रकार है। अब हम आगे लगा के देखते हैं, और यहां लगा के देखते हैं। तो आपने देखा बच्चों, अब ये आखिरी खाना ही बचा है और इसमें हम इसे लगा देंगे और ये ऐसे जुड़ रहा है। तो देखिए ये अभी मैंने चिपकाया नहीं है, इसलिए हल्का हल्का आपको पीछे का दिखाई दे रहा है, वरना ये बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएगा। और जब ये अच्छे से जुड़ जाएगा तो मतलब ये क्या है, देखिए ये पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, एक खास तरीके का पैटर्न है जो कि, जिसे हम बोलते हैं टाइलिंग। और हम क्या कर रहे हैं, फर्श की टाइलिंग कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको स्क्वायर टाइलिंग समझ में आई होगी और रोहित को भी ये टाइल बहुत पसंद आई, रोहित ने इसे अपने घर के आंगन के लिए चुन लिया है। तो चलिए अब हम अगली शेप देखते हैं कि वो टाइल करेगी या नहीं करेगी।